अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीना, वेलकम टू एनिमेलिया डॉट पी के। मैं हूँ आपका डॉक्टर फुरकान। आज एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसे हम गैस्ट्रोडाइलेशन वल्वुलस GDV कहते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है डॉग्स और पपीज़ के अंदर जो आपको टाइम नहीं देती और आपको पता भी नहीं चलता, और विद इन ए नो टाइम आपका पेट एक्सपायर हो सकता है। इसका मतलब है जब आपके पेट का स्टोमिक मुड़ जाए और उसके अंदर हवा भर जाए, गैस भर जाए, तो ना हवा अंदर जा सकती है ना हवा स्टोमिक से बाहर आ सकती है। और जब स्टोमिक फूल जाता है उसकी वजह से जितने भी ऑर्गन होते हैं उसके आसपास उस पर भी प्रेशर पड़ता है और आपका पेट बिल्कुल लेट जाता है और ज़ोर ज़ोर से कराता है, बहुत ज़ोर से आवाज़ें निकालता है। अगर आप कुछ भी खिलाने के लिए देते हैं तो वो फ़ौरन उल्टी कर देता है। साइंटिफिकली इसका कोई वजह मालूम नहीं हो सकी कि ये होता किस वजह से है। कहा जाता है जब आपका पेट बहुत तेज़ी से खाता है या खाने के बाद वो फ़ौरन छलांगे लगाता है, एक्सरसाइज आप करवा देते हैं, या पानी बहुत ज़्यादा पी लेता है, या वो तेज़ी से खाता है, या फिर अगर आप उसको कार्बोहाइड्रेट डाइट ख़ासतौर पे सीरियलक वगैरह ज़्यादा दे देते हैं तो जो स्टोमिक में गैस पैदा होना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन के अंदर बहुत सारे रिस्क ऐसे हैं, फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस बीमारी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अगर आपका पेट एग्रेसिव है, क्योंकि एग्रेसिव पेट बहुत तेज़ी से खाते हैं, अगर उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री है या उसकी फैमिली में कोई इस तरह के डॉग वगैरह जो उसके पेरेंट्स वगैरह में या उसके बहन भाइयों के अंदर इस तरह का GDV का मसला है तो उस पेट को भी हो सकता है। टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा कोई ऐसी बीमारी, कोई ज़हनी तवाज़ुन उसका डॉग का ठीक नहीं है तब भी हो सकती है, या आपका पेट चलते फिरते खाता है तो तब भी ऐसा मसला हो सकता है। अब इसके अंदर आपने क्या ख्याल करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कभी भी फ़ौरन खिलाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करवानी, ख़ास तौर पे आपने जो भी डॉग फूड देते हैं ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आपने भिगो के नहीं देना, और ज़्यादा खाना एक टाइम में नहीं देना। ये भी कहा जाता है कि जो ओल्ड डॉग होते हैं या डीप चेस्टेड डॉग, ख़ास तौर पर बड़े साइज़ के डॉग होते हैं, उसमें भी ये मसला ज़्यादा देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप एक टाइम पे खाना देते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे देते हैं तो इस वजह से भी ये मसला हो सकता है। अब इसका इलाज क्या है? अब इसके इलाज दो किस्म के हैं। जब आप एक्सरे करवाते हैं तभी ये इस बीमारी का पता चलता है। अगर नॉर्मल ट्विस्ट है तो आपको एक्सरे करवाने का टाइम मिल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा है और गैस बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है जो कि दूसरे ऑर्गन पर प्रेशर डाल रही है, तो उसकी वजह से जो ब्लड की सर्कुलेशन है जिस्म के अंदर वो भी मुतासिर होती है, और ऑक्सीजन आपके पेट के जिस्म को नहीं मिलती, जिस वजह से अक्सर औकात आपके पेट का जो जिस्म है वो कोलैप्स कर जाता है, शॉक कंडीशन में जाके फौरन पेट एक्सपायर हो जाता है। अब इसमें स्टोमिक ट्यूब पास की जाती है फौरन, बोर नीडल इस्तेमाल की जाती है, नीडल होती है काफ़ी बड़ी, वो इस्तेमाल की जाती है। बोर बेसिकली इसीलिए कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा छेद किया जाता है और हवा को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उसकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी करने के बाद उसको सर्जिकल करेक्ट किया जाता है, स्टोमिक की पोजीशन को नॉर्मल की तरफ लेकर आया जाता है। इस बीमारी के अंदर अगर सर्जरी आप करवा भी लें तो डिपेंड करता है कि आपका पेट जिंदा बचता है या नहीं। उसके डिग्री पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का जो स्टोमिक है वो ट्विस्ट हुआ हुआ था, किस हद तक डैमेज हुआ था, किसी दूसरे ऑर्गन पर इस तरह का मसला हुआ या नहीं। और जितने भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, रिस्क बताए हैं, आपने इसको ज़रूर जहन में रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।